गाना मैंने पहले कहा कि बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच। हमारे लिए सबसे इजी चीज़ यही थी कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड हमारी फैमिली जैसे रिलेशंस हैं। और जब मुझे पता चला कि ये बॉर्न रोज का सॉन्ग है और ये मेरा पहला गाना है जो रिलीज़ हुआ है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि माय फर्स्ट सॉन्ग इज़ विद माय बेस्ट फ्रेंड एंड विद बॉर्न रोज लेबल, बिकॉज आई एम वेरी अटैच्ड टू दिस लेबल। जैसे बॉर्न रोज खुला था आई वॉज क्रिएटिवली वेरी इन्वॉल्व विद देम एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड एंड इट वॉज टू मच फन शूटिंग एंड गुड नजर भाई इज फैब्यूलस। अभिषेक, गाना जो है रिलीज हुआ दोपहर को और बहुत ही अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिला है जो अगर आप अपने फैंस के साथ या हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? आई थिंक इसमें बस मेरी एक चोरी पकड़ी नहीं गई गाने में, क्योंकि हमने जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ चीज़ें नॉर्मल हुई, हमें शूटिंग की परमिशन मिली, हमने उसके बाद ही इसकी शूट की थी डायरेक्टली। और उस समय मेरी हालत थोड़ी ख़राब भी थी, बट वो सब उतना दिखा नहीं उस म्यूज़िक वीडियो में, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और ऑफकोर्स गाने के जो रिव्यूज़ आ रहे हैं और जिस तरह से लोग कमेंट्स में हमें बता रहे हैं और जिस तरह से लोगों ने इसको रिस्पांस दिया है, आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड, आई एम वेरी ग्लैड कि इस तरह से हमें इतना प्यार मिला है गाने को लेके। शुरू शुरू में हम थोड़े नर्वस थे, बट अभी जैसा रिस्पांस देख रहे हैं हमें बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, बॉर्न ब्रोस जो है दिन ब दिन अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपको कितना इमोशनल और प्राउड फील होता है? मुझे तो वाकई बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बॉर्न ब्रोस दिन पे दिन तरक्की कर रहा है, जबकि इतना उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि बॉर्न ब्रोस चलाने वाले दोनों बिजी हैं अभी तक। और मेरी सबसे बड़ी जो चाहत थी कि उसमें वैष्णवी और अभिषेक आए, क्योंकि फैंस की बहुत डिमांड थी, आंटी विभा आंटी प्लीज़ दोनों का गाना आप जल्दी से करिए, तो वो आज अच्छा दिन है कि सारे फैंस खुश हैं मेरे लिए। अभिषेक, शूट और ये गाना शूट करना दोनों कैसे मतलब मैनेज किया, आपने थोड़ा सा बताइए। कोइंसिडेंटली जिस दिन मेरी हीरो शो की शूट शुरू हुई थी उसके दो तीन दिन पहले ही हमने ये गाना शूट कर लिया था, और शायद यही वजह थी कि गाना आने में भी थोड़ा डिले हो गई क्योंकि मेरी वहाँ पे शूट शुरू हो गई और फिर उसके लिए मतलब काम करते करते मैं इस पर थोड़ा कम ध्यान दे पा रहा था। बट जैसी चीज़ें नॉर्मल हुई, मैंने बोला भी था कि जैसी चीज़ें नॉर्मल होगी मैं वापस से म्यूज़िक वीडियो पे काम करूँगा और उससे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिलीज़ करूँगा। बट आई हैव टू टेल यू, अभिषेक ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है इस गाने पे, क्योंकि हीरो जस्ट शुरू हुआ था एंड उसके लिए ऑब्वियसली बहुत टाइम के बाद वो शो कर रहा था एंड ही इज ऑल्सो प्लेइंग सॉर्ट ऑफ लाइक अ ड्यूअल रोल यू नो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि उसको एडिट, वो एडिट पे भी बैठ रहा था, वो प्रोडक्शन भी देख रहा था, वो कॉस्ट्यूम्स भी देख रहा था, प्लस साइमल्टेनियसली वो अपना शो शूट कर रहा था। सो हैट्स ऑफ टू हिम बिकॉज ही इज रियली वर्क्ड वेरी वेरी हार्ड, हैट्स ऑफ टू हर कि इतनी इतनी हेल्प की मेरी चीज़ों में। और सबसे बड़ी चीज़ की बॉर्न ब्रोस में अभी तक वैष्णवी ने सिर्फ अभिषेक के साथ डायरेक्शन में साथ दिया था, तो अभी बॉर्न ब्रोस में खुद वो एक्ट्रेस बन के आई है, तो अभी देखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये वैष्णवी का पहला गाना है, पहला गाना मेरे साथ है और हमारे खुद के लेबल पे आया है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होल सॉन्ग। राइट, आल्सो आप लोगों ने मतलब जैसे वैष्णवी ने कहा कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ऑन सेट किस तरह का माहौल था, अगर थोड़ा सा बिहाइंड द सीन भी अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं? एक्चुअली बिहाइंड द सीन भी बहुत हमें बहुत ही मज़ा आया क्योंकि हम लोग ये जो म्यूज़िक वीडियो प्रोजेक्ट था इसमें मोर देन एन एज एन एक्टर्स हम लोग पूरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, फ्रॉम द स्टोरी टू द यू नो टू द एक्टिंग लोकेशन एवरी थिंग, वी वर इन्वॉल्व इन एवरी थिंग, और फ्रॉम अ कॉस्ट्यूम सेलेक्शन टू माई कॉस्ट्यूम सेलेक्शन, फ्रॉम द स्टोरी लाइन, फ्रॉम द लोकेशन, फ्रॉम एवरी थिंग, तो ये सारी चीज़ों में हम लोग इतना उलझे थे और ये सब करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग ने हंसते खेलते म्यूज़िक वीडियो शूट किया और काफ़ी स्मूथली सारी चीज़ें हो गई। हमारे साथ जो हमारे प्रोड्यूसर थे आदित्य और जो हमारे साथ ही प्रोडक्शन जुड़ा है विश्वादित्य प्रोडक्शन से, और तो इन सब की हेल्प के साथ इस चीज़ को करना बहुत इजी हो गया हमारे लिए, एंड आई थिंक आई जस्ट थैंक गॉड कि इन्होंने इतनी इजी कर दी हमारे लिए चीज़ें। मैम, आपका किस तरह का सजेशन रहता है या फिर अगर कोई गाना आपके लेबल से आता है तो क्या कुछ डिस्कशन होती है सिद्धार्थ और अभिषेक के साथ आपकी? हाँ, ये लोग मुझे पहले गाना सुनाते हैं, मम्मी ये गाना सुनिए, सो मुझे अगर पसंद आता है तभी दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि नहीं करना है, अगर नहीं पसंद आता है तो अगर मम्मी को पसंद नहीं आता तो समझ जाते गाना अच्छा नहीं है, दूसरा ढूंढते हैं। आज जैसे गाना आया तो मैंने कहा थोड़ा और होना चाहिए, तो बोले नहीं आपको इसका मतलब पसंद है, आप बार बार देखना चाह रही हैं। गाना अगर आप दोनों गुनगुना दे हमारी ऑडियंस के लिए? ऑफ कोर्स, एक्चुअली हम एक्टर ही अच्छे हैं। क्या मैं वहाँ से गाता हूँ, मैं गाना नहीं चाहता ऑनेस्टली, अच्छा गाना है। सपोर्ट कर दूं। ओके, एक स्टेप कर लेते हैं अगर। हाँ, बेटर रहेगा। वैलेंटाइन का सबसे बड़ा प्लान यही हमारा गाना था जो एक साथ हमारा गाना आया है, और एक्चुअली हमने सोचा नहीं था कि हम इस गाने को फरवरी में रिलीज़ करेंगे क्योंकि हमने इस गाने को
बहुत पहले शूट कर लिया था, बट यू नो थोड़ी कुछ चीज़ों की वजह से डिले होता जा रहा था गाना, बट मैं बहुत खुश हूँ कि गाना जो है दिस इज़ अ लव सॉन्ग, दिस इज़ अ रोमांटिक सॉन्ग एंड इट इज़ कमिंग इन द मंथ ऑफ फेब, तो या मंथ ऑफ लव, सो दिस इज़ अमेजिंग फॉर अस ऑल्सो एंड वी आर वेरी हैप्पी टू रिलीज इट इन दिस मंथ. So this song, मतलब आते ही it's gained already lot of success ऐसा लग रहा है with the kind of response जैसा मिल रहा है. So any update about any upcoming projects from your end? Of course, अभी we are waiting कि हमारा गाना और अच्छा करे, हमें और अच्छा response मिलेगा, then of course we will plan more music videos together on our label and we of course will come up with new greater projects than that. Thank you so much for coming and supporting us so much. क्या कहना चाहेंगे, गाना देखा आपने कैसा लगा आपको, अभिषेक का गाना है और गाना कम से कम मैंने 10 बार देख लिया होगा, क्योंकि इतना अच्छा है और इतना अच्छा मेरे भाई ने डायरेक्ट किया है उसको. सो आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, और उन्होंने इतना अच्छा काम भी किया है. एंड डेफिनेटली जब एक फ्रेम लगता है तो फ्रेम की ब्यूटी होना बहुत ज़रूरी है, तो उस पूरे फ्रेम की ब्यूटी हमारी वैष्णवी दीदी हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है म्यूज़िक वीडियो में, और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं. ऑलरेडी जब एक निगम ब्रदर्स में एक ब्रदर काम कर रहे थे तो उसमें मेरा आई डोंट थिंक तो मेरा वहाँ पर होना ज़रूरी था, बिकॉज वॉर्न ब्रॉस रिकॉर्ड लेबल पर ही ये गाना है. एंड मेन हमारा टारगेट था हैशटैग अभिनवी का सॉन्ग लाना, जो कि हमारे जो फैंस हैं अभिनवी के, जितने भी फैंस हैं सब बहुत अरसों से वेट कर रहे थे कि जल्दी से अभिनवी का सॉन्ग आए. सो फाइनली वो सॉन्ग आ गया है, तो ढेर सारा प्यार दीजिए. डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, और मैं स्पेशली मम्मी को थैंक्स कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, बिकॉज उन्होंने हमेशा हमें मोटिवेट किया है कि हम नई नई चीज़ें करें, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें और कुछ ना कुछ सीखते रहें. तो आई थिंक ये जो लेबल का हमारा आइडिया भी था, ये आइडिया को सक्सेसफुल हमारी मम्मी ने बनाया. इन्होंने हमें मोटिवेट किया कि यस तुम लोग एक्टिंग करते हो, बट एक्टिंग के साथ साथ दूसरी फील्ड में भी तुम लोगों को सीखना चाहिए. तो आई थिंक ये लेबल हमने ओपन किया और अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं, और आई थिंक हमेशा सीखते रहेंगे और ऐसे अच्छे अच्छे गाने हम हमेशा बनाते रहेंगे और आप सबसे शेयर करते रहेंगे. सिद्धार्थ, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, क्या प्लान्स हैं? पहला प्लान तो यही था, बिकॉज द मंथ ऑफ लव, तो सबसे पहला प्लान हमारा यही था कि हर दिन यहाँ को हम इस मंथ ही लॉन्च करेंगे, बिकॉज 14 फेब को वैलेंटाइंस डे है, और इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग जब 14 फेब को बनेगा अपने अपने पार्टनर्स के लिए कि भाई तू हंसती रहा कर, क्योंकि जब वो उदास होती हैं, सैड होती है, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है. इसलिए गाने का नाम ही हंसती रहा कर, और ये सबसे बड़ा प्लान था. रेस्ट 14 फेब का मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है. मम्मी के साथ हाँ. अरे मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है, मेरे दोनों बच्चे इस मतलब बॉर्न ब्रॉस को इतना अच्छा बना बना के प्रोडक्ट डाल रहे हैं, जो मैंने सिर्फ लॉन्च किया था, इनके बर्थडे पे गिफ्ट दिया था. सो मुझे पता नहीं था कि ये लेवल इतना अच्छा है दोनों भाई उठाएंगे, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि देर से डालते हैं गाना थोड़ा, बट डालते हैं, मम्मी का बना के रखते हैं. मम्मी ने हमेशा सिखाया है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी बहुत मैटर. होता है क्योंकि अभी मैं अलादीन के सेट पे डेली जाती थी, बट मैं हीरो के सेट पे ज़्यादा नहीं जा पाती हूँ, तो ये बड़ा होके भी मेरे से बच्चों वाली हरकत करता है कि आप सिद्धार्थ के सेट पे डेली जाती थी, फ्रेम पे सामने बैठती थी, मेरे पास क्यों नहीं आती, मैं सौतेली माँ का हूँ क्या? ऐसा ही मेरे से लड़ाई करता है, बट मैं बोलती नहीं, तू भी बेटा है, ये भी है भाई, ऐसे कैसे बोलते हो. मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो बॉन्डिंग है मेरी और मेरे बड़े भाई की, सबको बहुत पसंद आती है. वो इसलिए आती है बिकॉज हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, और ये जब किसी भी रिलेशन में इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, डेफिनेटली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती. और ये मेरे बड़े भाई हैं, ये अगर मुझे मारते भी हैं तो मेरे अच्छे के लिए, अगर मुझे डांटते हैं तो मेरे अच्छे के लिए. तो और अगर मुझे अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना होता है, या मैं कोई भी काम करता हूँ रिलेटेड टू माई एक्टिंग, रिलेटेड टू माई एनी प्रोजेक्ट, तो आई ऑलवेज यू नो गो टू हिम एंड आस्क कि दादा ये सही है या गलत है. तो
लाइक आई डोंट हैव माय फादर, तो आई वुड डेफिनेटली से कि ये मेरे पापा जैसे हैं जो मुझे हमेशा सही गलत में फ़र्क बताते हैं। ज़्यादा मत बोलो, रोने लगा। बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, आने वाले दिनों में हम ऐसे देखेंगे ब्रदरहुड का ऐसा कोई म्यूजिक वीडियो देखेंगे साथ में ऐसे, इंशाल्लाह देख सकते हैं। क्या बात है, मतलब अच्छा आइडिया है और मतलब हम कोशिश भी करेंगे कि ऐसा कुछ हो और हम लोग बहुत जल्दी आपके साथ कोई प्रोजेक्ट करें, कभी आएँ। पर अभी तक ऐसा कोई माहौल या ऐसा कोई मौका नहीं मिला, ऐसा कोई दस्तूर नहीं बना है। बट ऑफकोर्स फॉर श्योर मैं और सिद्धार्थ एक साथ एक बार ज़रूर काम करना चाहेंगे। और यहाँ पर हमारी ये पूरी टीम आ गई है जिन्होंने विश्वादित प्रोडक्शंस की, आदित्य भाई हैं ये, इनके साथ मिलकर हमने गाना बनाया हुआ इस बार। और इनकी सपोर्ट की मदद से हम लोग ऐसे थे कि यार हम दोनों ऑन स्क्रीन थे और काफ़ी काम इन्होंने हमारे आसान कर दिए, इन्होंने हमें बहुत हेल्प करी। एंड थैंक यू सो मच भाई फॉर दैट, गिव मी अ हाई फाइव, व्हाटएवर। विभा जी, यू नो जब बच्चे, आपको पता ही होगा जब बच्चे बहुत ही डे बाय डे पॉपुलर होते जाते हैं तो आप आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे लाइक ये मेरा बेटा बहुत हिट हो रहा है, तो सबसे वो बड़ा वाला है पहले उनकी शादी के बारे में सोचते हैं। अरे बाप रे, नहीं शादी की जिम्मेदारी मैंने नहीं ली, मैंने शादी की जिम्मेदारी इन दोनों को दी है कि आप माँ हैं तो एक वो एक नजरिया तो होता है कि एक बड़े बेटे की शादी करनी है। हाँ बड़े दोनों की शादी करनी है, बहुत जल्दी करूँगी और बड़ी पार्टी दूंगी। प्लान कर रहे हैं, चलना ज़्यादा बात मत करो, कल ही ले आएगा ये। अरे मम्मी बस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वो क्वेश्चन बोल रहे हैं, गाना बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत वाइब्रेंट है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं गाने को देखकर। और हम पहले से एक्साइटेड थे क्योंकि अभिषेक भैया का और वैष्णवी जी का फर्स्ट म्यूजिक एल्बम है ना, इनका डेब्यू है, तो वेरी एक्साइटेड एंड द सॉन्ग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मुझे भी एक्चुअली सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, स्पेशली वो जो रोज़ वाला पार्ट था जहाँ से अभिषेक के ऊपर से रोज़ पर वो पार्ट मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली। तो अभिषेक भैया के साथ मैं तो उनको भैया बोलती हूँ, उनको राखी भी बांधती हूँ, तो उनके साथ तो मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, वो मेरे बड़े भाई हैं। और सिद्धार्थ मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसको मैं इसके साथ मैं क्या बॉन्डिंग शेयर करती हूँ, मैं कितना भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों ना हो, जन्नत आती है, आयान आता है, सिद्धार्थ आते हैं, तो मेरे ख्याल से यही दोनों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं सबके। और मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है कि मेरे सारे छोटे भाई बहन इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, इतनी तरक्की करते हैं, सो इस बात से तो मैं हमेशा खुशी रहता हूँ। और जन्नत इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, और हम लोग तो पड़ोसी हैं, तो हम लोग तो हम तो पड़ोसी भी हैं, तो फिर भी मैं ये वाला बॉन्ड लगा बताओ फुल स्टॉप मैं नहीं, हम लोग सब एक ही घर में रहे, नहीं हम लोग एक ही घर में। कोई भी प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं बड़े वो मैं जल्दी शेयर करूँगी, बाकी फिलहाल मेरा भी गाना आ रहा है, फेम में आ रहा है। क्या बात है, सब आप तो वहाँ पर आएंगे, आप सबको मैं अभी इन्विटेशन दे दे रही हूँ, प्लीज़ आना। मेरे पता है हर साल प्लान्स क्या होते हैं, मैं अपने मम्मी डैडी को बाहर भेजती हूँ, घर डेकोरेट करती हूँ, उनके आने के बाद उनको सरप्राइज मिलता है और हम बहुत खुश हो जाते हैं। उसी पार्टी में होने तो हमेशा मेरा यही प्लान होता है, मैं और रयान बलून से पूरा घर सजाते हैं, हार्ट से केक भी मंगवाते हैं, मम्मी डैडी आते हैं, उनको सरप्राइज मिलता है। इस बार देखते हैं, ये तो मैंने रिवील किया, आइडिया अप्पी का वजह मैं करता था। मैं जानता था पहला क्वेश्चन आप यही करेंगे, कन्हैया वाली फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही है। मैं बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आशी, अनुष्का,
ये दोनों हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं मैं कोई भी काम करता हूँ तो पर्सनली थैंक यू सो मच अनुष्का, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा गाना है, हमने अभी वापस साथ में देखा, इतना स्वीट सा सॉन्ग है, उन्होंने परफॉर्म भी किया, बहुत ही प्यारा गाना है। जैसे सिद्धार्थ कह रहा था अंदर कि वैलेंटाइन का वीक है, वैलेंटाइन का मंथ है, उस हिसाब से ये गाना इतना परफेक्ट है और दोनों की केमिस्ट्री इतनी प्यारी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। इतने क्यूट मोमेंट्स है ना पूरे गाने में, वो गाना तो प्यारा है ही, और जब आप गाना देखेंगे, जिसने नहीं देखा वो देखें, और इट्स अ वेरी क्यूट सॉन्ग और दोनों की केमिस्ट्री तो अमेजिंग है ही, मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही नेचुरल है, मतलब हाँ नहीं इट्स वेरी एफर्टलेस एंड वेरी नेचुरल, लाइक दोनों है और कैमरा लगा दिया बस। और सिद्धार्थ और अभिषेक का जो लेबल है बॉन्ड ग्रोथ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, बैक टू बैक इतने हिट सॉन्ग्स लेके आ रहे हैं, बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत इंस्पायरिंग है, मतलब यू नो जब लोग देखते हैं कि दो भाई मिलके इतने अच्छे से, एंड मुझे इतना अच्छा लगता है ना ये नाम, क्योंकि सिद्धार्थ और अभिषेक ने बॉन्ड ब्रॉस करके निकाला है रिकॉर्ड्स, एंड आई रिमेंबर जब फर्स्ट सॉन्ग आया था तब भी मैं लॉन्च में थी, एंड अभी भी यू नो इस सॉन्ग में मैं आई हूँ, एंड आई कैन सी द ग्रोथ, आई कैन सी कैसे बेटरमेंट हो रहा है हर सॉन्ग के साथ साथ, एंड सारे हिट्स हो रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ, कॉन्ग्रेचुलेशन विभा आंटी, कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक, सब ने बहुत मेहनत की, जो भी टीम है जिन्होंने ये वीडियो बनाया, जितनी भी वीडियोज़ बनाए, आई एम रियली रियली प्राउड। तो जब भी मतलब मैं सिद्धार्थ से बहुत टाइम से एसोसिएटेड नहीं हूँ, मैं उसे बहुत अभी जानती हूँ, इट्स माय फर्स्ट लॉन्च जो मैं अटेंड कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड अभिषेक एंड विभांती, एंड बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, क्योंकि यू कैन सी द लेवल दे आर गोइंग और इट इज़ इंस्पायरिंग नो डाउट, जैसा अनुष्का ने कहा, तो वो हमें भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ सिद्धार्थ मुझे एनीवेज बहुत मोटिवेट करता है, तो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मोटिवेशन, ओके वी कैन ऑल्सो डू इट, ही कैन डू इट इतना बिजी होने के बाद भी, तो कुछ भी बहुत जरूरी है। तो जानना चाहूँगा कि अभी अभी जो है आप लोगों का शो रैपअप हुआ है, कितना मिस कर रहे हैं कास्ट एंड क्रू को, शो को? बहुत बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि हमारी जो कास्ट है, हमारी जो क्रू है, हम हमेशा एक फैमिली की तरह रहे, और हमारे शो की तो खास बात ये थी कि वहाँ पे ना हमेशा फ्रॉम द डे वन जब तक ये शो था तब तक एक पॉजिटिविटी बनी रही और एक टीम स्पिरिट बनी रही जो कभी ख़राब नहीं हुई, और सब एक दूसरे को इतना इतना चाहते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, और जब जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर एक टाइम आता है जहाँ पर आपको यू नो गुड बाय कहना पड़ता है, तो वो मोमेंट आपके लिए बहुत टफ हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मिस अलादीन, आई एम गोइंग टू मिस आशी, आई एम गोइंग टू मिस अम्मी, चाची, एवरीवन माय शो, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मिस। दैट्स ट्रू, जब मैंने अलादीन ज्वाइन किया था आफ्टर 2 ईयर्स, तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि सब उतने ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होंगे अबाउट द शो, सबको उतना अभी भी मज़ा आता होगा, बट मुझे लगा ही नहीं कि मैंने इतने टाइम बाद ज्वाइन किया है शो, और मुझे सबने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, बहुत छोटी सी जर्नी रही, आई एम वेरी अपसेट कि इतनी जल्दी ख़त्म हो रही है, आई वॉन्टेड इट टू गो मोर, और ये लोग सब एक्चुअली मेरी फैमिली से बन गए, हम मेरा मिस एवरीवन। मेरे बहुत एक्साइटिंग प्लान्स हैं, फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरा क्रैश वेब सीरीज रिलीज हो रहा है, क्योंकि क्रैश वेब सीरीज रिलीज हो रहा है, सो वेरी वेरी एक्साइटेड कि 14th को रिलीज हो रहा है, सो वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि सबको कैसे लगा, मेरे दोस्तों को कैसे लगेगा। हाँ, और हमारा ट्रेलर रिलीज हुआ एक दिन पहले, सो बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, उन्होंने सिद्धार्थ ने मुझे मैसेज किया, एंड ऑल माई फ्रेंड्स एवरीवन इज सपोर्टिंग मी, एंड फैंस तो है ही, वो इतना प्यार देते हैं, हर एक जो भी मैं रोल लेती हूँ या जो भी रोल करती हूँ बहुत प्यार मिलता है मुझे, एंड ट्रेलर पर मुझे इतने अच्छे रिव्यूज़ मिले, तो आई एम यू नो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू नो द रिलीज ऑफ क्रैश एंड सबका रिव्यू के लिए, सो आई एम थैंकफुल कि इतना सारा मुझे प्यार मिला, थैंक यू वेरी मच। हम दोनों जी को जानना चाहेंगे, अलग अलग वेल इसको तो पता नहीं इसके वैलेंटाइंस डे प्लान्स क्या हैं, मुझे पता है मेरा क्या है, मैं अभी छुट्टी पे चल रहा हूँ, तो मैं घर पर बैठ के नेटफ्लिक्स एंड वो चल तो कोई मतलब नहीं है, नेटफ्लिक्स ही कर पाऊँगा, सो आई विल वॉच मूवी, आई विल स्पेंड गुड टाइम विथ माई दादी एंड विथ माई मम्मी, एंड वैलेंटाइंस डे का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही हो, वैलेंटाइंस डे का मतलब होता है कि आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके साथ आप वक्त बिताएं, तो डेफिनेटली मैं अपनी मम्मी के साथ वक्त बिताने वाला हूँ, मेरी दादी आई हैं इतने सालों बाद, उनके साथ वक्त बिताऊँगा, फिर वसूली के साथ वक्त बिताऊँगा, मेरा कुत्ता जो है उनके साथ, स्प्रेडिंग लव वैलेंटाइंस डे, स्प्रेड लव। तो मुझे तो अभी अभी रियलाइज हुआ कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है,
की जरूरत प्लान बनाऊंगी। एक हफ्ता पहले पता चला जब टेडी डे आएगा, फिर हग डे आएगा, फिर तुम्हें ऐसे भी टेडी डे आएगा, जरूर कुछ ना कुछ प्लान बनाऊंगी और मैं जरूर अपडेट कर लूंगी कि मैंने क्या प्लान बनाया, पर अभी तक मुझे सच में नहीं पता। थैंक यू।